सफारी को मिल गया एक मेजर अपग्रेड और आज आपको मिलने वाले सबसे ज्यादा डिटेल्स ओनली ऑन मोटरॉकटे तो बिना बर्बाद किए समय शुरू करते हैं आज का वीडियो सफारी का अगर आप फ्रंट देखते हो इट्स गॉट अ कंप्लीटली न्यू फ्रंट एंड

Harrier से कंपेयर करोगे तो इसकी फ्रंट ग्रिल पहले से ज्यादा बड़ी हो गई है और इस वजह से इसका रोड प्रेजेंस काफी जबरदस्त भी लग रहा है इसमें थ्री सिक्स अ कैमरा इन दर भी आगे पार्किंग आ जैसे हम साइड प्रोफाइल की तरफ बढ़ेंगे यहां पर मेजर चेंजेस नहीं किए गए क्योंकि एंड ऑफ द डे ये तो एक फेस लिफ्ट है पर एक जो बदलाव किया गया है, मेरे हिसाब से विच है टॉप एंड में 18 नहीं

वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा आपको ये जो गोल्डनिश कलर है सफारी पे कैसा लग रहा है और जैसे ही हम रेयर की तरफ आएंगे यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे कि टेल टेलैम्प आर नाउ कनेक्टेड डिजाइन एलिमेंट छोटे मोटे चेंजेस आए हैं फॉर एग्जाम्पल टेलैम्स के साथ साथ आपके रिफ्लेक्टर्स भी आप साइड में आ गए जो से एक अच्छा कैरेक्टर दे रहे हैं फ्रॉम द रेयर टू द रेगुलर थिंग्स आर दर स्पॉइलर है आपके पास शार्क फिन है और टेल गेट जिसे खोलने में हमें बहुत दिक्कत होती थी अब आपको से प्रेस करना या कंट्रोल से आप इसे खोल सकते हैं तो ये एक इलेक्ट्रिकली ओपनिंग टेल गेट है वैसे अगर मैं बूट स्पेस की बात कर लू तो यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा बूट स्पेस नहीं है जब सारे सीट्स रेज है तो आपका एक सूटकेस भी नहीं बैठेगा पीछे आपके बैक ही एट द मोस्ट बैठ पाएंगे क्योंकि जगह बहुत ही मिनिमल है यहाँ पे तो आप अगर एक रोड ट्रिप पे जा रहे हो फैमिली के साथ तो आपको या फिर एक सीट फोल्ड करके जाना पड़ेगा या फिर आपको कोई और सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा मेजर so अपग्रेड जी हाँ अगर आप इसका इंटीरियर देखते हो इट फील्स है चालीस पचास लाख की गाड़ी है बिकॉज जिस तरीके का एम्बियंस है इट लुक्स वेरी अपमार्केट एंड प्रीमियम अब यहाँ पे आपके पास ब्राउन एंड आइवरी कलर के इंटीरियर्स आ जाते हैं ओवरऑल ये बहुत अच्छा फील होता है जो यहाँ पे वुड फिनिश दिया हुआ है कोर्स इट्स नॉट रियल वुड फिनिश बट इसका जो टच एंड फील है बहुत अच्छा है सॉफ्ट टच एलिमेंट्स आ जाते हैं आपको डैशबोर्ड पे कुछ कुछ हार्ड प्लास्टिक्स है एंड डोर पे भी आपको थोड़े बहुत

महंगी गाड़ी देखते हो आपको उस प्रकार का यहां पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो है जो कस्टमाइजेबल जिसकी डिस्प्ले क्वालिटी ऑलमोस्ट लाइक लाइक योर स्क्रीन तो ये सारे सारे इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं like के फीचर्स आप यूज कर सकते बारह इंच का, 12 ज में बहुत बढ़िया टाटा मोटर्स में हमारी सबसे बड़ी कंप्लेन थी सफारी हैरियर स्क्रीन बहुत छोटा आता है एंड द फैक्ट इसकी स्क्रीन थोड़ी और बेटर हो सकती है यूजेबिलिटी में बट नाउ एवरीथिंग सीम्स टू बी वर्किंग बेटर देन आई थिंक ये जो टच स्क्रीन की क्वालिटी है जो इसका डिस्प्ले है जो इसकी ब्राइटनेस है जो रिस्पॉन्स है आई थिंक डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट है आज के तारीख में मार्केट में सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी दिस इज अ ब्रिलियंट टच स्क्रीन इसका थ्री सिक्सटी कैमरा भी काफी अच्छा है व्यू जो देता है वो अच्छा एंड साथ में आपके पास ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग भी है सो so, अगर आप लेफ्ट या राइट right का इंडिकेटर देते हो देन इन दैट केस आपको यहाँ पे कैमरा एक्टिवेट हो जाता है टू गाइड यू बेटर जो इसका ए सी कंट्रोल है अब ये ड्यूल जोन ए सी कंट्रोल है यानी कि लेफ्ट और राइट right साइड के पैसेंजर्स अपना क्लाइमेट डिफरेंटली रख सकते हैं ये कंप्लीटली टच बेस्ड है एंड वॉइस भी आ गया है इज न्यू फीचर सो के टाइम पे हमने जब कहा था कि टच बेस है प्रॉब्लम आई थिंक द वरी शुड बी की एक ग्लॉसी है रिव्यूज uh, ने आई थिंक कहा था कि ये अच्छा सिस्टम नहीं नहीं है। नहीं है सिस्टम में में प्रॉब्लम क्योंकि इसका रिस्पांस तो तो बढ़िया आ आ जाएंगे, सफारी अभी आपके पास वॉइस कमांड्स जाते तो Alexa चाहिए, Google चाहिए, Siri चाहिए, इनका खुद का टाटा का सिस्टम यूज करना है सारे ऑप्शन टाटा मोटर ने यहाँ खोल दिए प्लस जो जेबीएल के स्पीकर्स पहले सफारी में आते थे उससे एक अपग्रेड आया क्योंकि यू गेट मल्टीपल मोड्स ऑफ ऑडियो जिसे आप चेंज कर सकते हो यू कैन कंप्लीटली कस्टमाइज इट सो दैट फीचर इज हैं जो uh, जिन लोगों को म्यूजिक का ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है बट दे वॉन्ट टू हियर गुड म्यूजिक आई थिंक मोड इज वन ऑफ द बेस्ट इफ यू आस्क मी अगर आप एक कुछ यू नो योर लिस्ट टू समथिंग दैट्स वेरी लाउड एंड पंपिंग चार्जिंग के लिए आपके पास वायरलेस चार्जिंग पैड है आगे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी एंड साथ में टाइप सी चार्जर भी दिया गया है नाउ टाइप सी इज स्पोर्टीफाइव वर्ड जस्ट फॉर योर रेफरेंस 45 फाइव वॉट से मैं अपना लैपटॉप आया हुआ मैकबुक वो थर्टी वॉट से चार्ज होता है

आपके फ्रंट सीट जो है अच्छे खासे वाइड है लंबा सपोर्ट भी है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स है दोनों फ्रंट सीट सफारी में एंड साथ ही में आपको वेंटिलेशन भी मिलेगा फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स सो आई थिंक एक बहुत ही बढ़िया पैकेज दिया है टाटा मोटर्स ऑन द सफारी एंड दिस इज वेयर इट क्लियरली स्ट्रांड अब आप सेकेंड रो में अच्छी खासी जगह दी गई है नी रूम अच्छा खासा है हेड रूम इज क्वाइट एनफ आज तो हमारे पास कैप्टन सीट्स वाला ऑप्शन आया सफारी का बट तीन लोग अगर बैठ के जा रहे हैं हमने पुरानी सफारी ऑलरेडी किया कि आराम से बैठ के जा सकते हैं बिना किसी इनकनवीनियंस के शोल्डर रूम गाड़ी के लिए बहुत बढ़िया अब जो कैप्टन सीट्स है इसमें आपके पास थाई सपोर्ट इज डिसेंट इनफ आप अगर लंबे सफर पे जा रहे हो दी सीट्स आर नाइस एंड कंफर्टेबल इसका जो आर्म रेस्ट है सॉर्ट ऑफ कुड बी अ लिटिल मोर थिकर बट इट्स गुड इनफ आप यहाँ पे ऊंचे बैठे हो देन द दे फ्रंट रो सीट्स तो इस वजह से पीछे बैठने के बावजूद भी आपको बॉनेट के एजेस दिखते हैं और साथ ही में अब और एक चीज आ गया सन ब्लाइंड यहाँ पे जो पहले नहीं था तो वेंटिलेटेड सीट आपको मिलेंगे कैप्टन सीट ऑप्शन में और साथ ही में जो आपका हेडरेस्ट है दैट ऑल्सो हैविंग दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग जिससे आप उसे यू नो सॉर्ट ऑफ अटका के जैसे वो एयरलाइन में फील देते वो सॉर्ट ऑफ अ थिंग वो यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल कराया गया रियर सीट में आपके पास ए सी वेंट साइड पे दिए गए ऑन द पिलर्स यू गेट अस बी एंड अ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट टू प्लस आपका जो सनरूफ है ऑलमोस्ट पीछे तक आता है तो जब धूप नहीं रहती है तब आप इसे खोल के यू कैन इंजॉय बहुत बढ़िया लगता है व्हेन यू आर सिटिंग एट द बैक और अगर आप शोफर ड्रेवन हो आई थिंक ये कैप्टन सीट्स आपके लिए बहुत कंफर्टेबल चॉइस बन जाते हैं अब सफारी के अगर थर्ड रो को एक्सेस करना है कैप्टन के साथ द बेस्ट वे टू डू इज स्ट्रेट यहाँ से पीछे जाने के लिए क्योंकि ये जो है है फोल्ड नहीं होती थर्ड रो में आने के बाद आप अपने को एडजस्ट करके बैठ सकते हो ओवरऑल टॉल पैसेंजर्स जो छह फीट के उनको भी अच्छा खासा हेड रूम है बहुत ज्यादा नहीं है डिसेंट है न थोड़ा सा एंड नी रूम भी ओके है अब क्योंकि आपकी सेकेंड रो की सीट आगे पीछे हो सकती है इट स्लाइड इस वजह से जर्स टॉल पैसेंजर्स एक दूसरे के पीछे भी आराम से बैठ सकते हैं सफारी। और ये सारी गाड़ियों में नहीं होता है हाँ यहाँ था बहुत ज्यादा नहीं है वेरी मिनिमल था बट द फैक्ट इज पीछे लोग फिर भी बैठ के जा सकते हैं आराम से और पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को यूएस बी एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए एंड ए सीट यू डायरेक्टली फेस ऑन टू यू तो अगर आप फुल स्पीड पे भी इसे चलाएंगे तो दैट एंटायर ब्लो कैन कम ऑन यू तो अगर आप पीछे बैठे तो आपको ठंडी एसी की हवा आप पे ही आएगी डायरेक्टली विच आई फील इज अ गुड पॉइंट कि ये सारी गाड़ियों में थर्ड रो में जो सीट्स रहती है उनके लिए एसी वेंट से ऐसा रहते हैं या ऐसे रहते हैं बस कहीं ना कहीं बस ठंडा करेंगे कैबिन को बट ये डायरेक्टली आप पे आ रही है विच इज अ वेरी गुड अभी आगे हम सफारी में गाड़ी को कर दिया स्टार्ट डाल दिया इन ड्राइव मोड एंड हियर वी गो लेट्स गो सफारी में आपके पास टू लीटर का डीजल इंजन आता है अनफोर्चुनेटली डीजल ही है नो पेट्रोल ऑन ऑफर एट द मोमेंट ऑटोमेटिक में अब आपको आ जाते हैं पैडल शिफ्टर्स तो पैडल शिफ्टर्स adds that extra sportiness to शिफ्ट ड्राइव टू आई थिंक द बिगेस्ट चेंज जो सफारी में आना वो है इसके स्टेयरिंग व्हील में अभी तक आपके पास हाइड्रोलिक स्टेयरिंग था जो काफी हेवी और यू नो डिफिकल्ट फील होता था बट है इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग व्हील जिससे आपका स्टेयरिंग व्हील बहुत लाइट हो जाता है ना, आपकी और, और जो ड्राइव है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाती है लाइक like, अब मैं दो उंगलियों से लिटरली स्टेयरिंग को मूव कर रहा हूं जो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ऑफ द सफारी अच्छा खासा पावर देता है आपको सिटी हाईवे पे एंड अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है जस्ट प्रेसिटेन यू आर इजीली गोइंग टू ओवरटेक दैट पर्सन स्पोर्ट मोड पर गाड़ी जैसे ही डालोगे यूल नोटिस की इसका जो पावर है वो काफी बढ़ जाता है लाइक दर ए क्लियर डिफ्रेंसिएशन

तब स्टिफनेस बढ़ जाती है बट इस केस में उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया आई एम स्पीड ब्रेकर से क्या एट अ वेरी लो स्पीड एंड स्टिल इट डजेंट मेक मी फील योर वो चुभ रहा है मुझे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तो जो राइड क्वालिटी लो स्पीड पे है उसे कंप्लीटली सॉर्ट आउट किया गया टू अ ग्रेट एक्सटेंट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी एट लो स्पीड फॉर श्योर

जो लोगों को हाइड्रोलिक स्टेयरिंग व्हील की आदत पड़ गई है ऑन सफारी, वो ये गाड़ी भी चलाएंगे जनरली एक वो डिफरेंस आ जाता है कि यार हाइड्रोलिक चलाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग व्हील में इतना मजा नहीं आता है बट इन दिस कार यू विल स्टिल फील दैट थिंग कि हाँ यार ये गाड़ी काफी अच्छी तरह से रोड ग्रिप कर रही है। जो स्टेयरिंग फीडबैक है that,

तो आपको वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक बन सकता है और अगर आप थोड़े शॉर्ट हो हाइट में आपके लिए वो थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम बन सकता है इन दैट सिचुएशन सफर की माइलेज हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रही है और आज भी कंटिन्यू होगी तो शहर में अगर आप नॉर्मल ट्रैफिक कंडीशंस में चलाते लाइक नॉट बम्पर टू रेगुलर मिक्स ऑफ ट्रैफिक एंड रेगुलर ड्राइविंग में आपको 10 से 12 का एवरेज मिल जाएगा हाईवे पे ये फ्यूल एफिशिएंसी 15 से 18 के बीच में जाती है कोई के लोगों को 20 22 का एवरेज भी आता है क्योंकि इंजन में फर्क नहीं है तो वो माइलेज वैसी ही कंटिन्यू होगी द वे इट यूज्ड टू बी

वो बहुत ज्यादा बेहतरीन हो गया और यही एक मेजर कारण है जिस वजह से आज सफारी एक बहुत जबरदस्त वैल्यू बन गई है अगर आप पहले सफारी के वेरिएंट्स देखोगे तो अगर आप लोअर वेरिएंट्स लेते थे जैसे एक्सटी या एक्स उसमें आपको हार्डली कुछ मिलता था जिस वजह से यूल फील यार इतने 20-25 लाख रुपए दे रहे हो और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है गाड़ी में तो अब दैट एरिया इज बीन एड्रेस्ट अगर आप एक लोअर ट्रिम भी लेते हो सफारी का प्रॉब्लम विल नॉट कम इन की यार फीचर्स कम है बिकॉज दैट इज टेकिन केयर टू अ ग्रेट एक्सटेंट और ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया मूव है फ्रॉम टाटा मोटर्स अब इसकी प्राइजिंग फिलहाल आई नहीं है जितना मैं आपको कह सकता हूं कि जब इस गाड़ी की प्राइसिंग आएगी तो जो हायर वेरियंट है वहां पर थोड़ा बहुत प्राइसिंग ऊपर जाएगा मेरे हिसाब से टॉप टेंट जो है थर्टी या 32 टू तक भी जा सकता है बट इनका इंट्रोडक्टरी प्राइस अबाउट थर्टी थर्टी लैक्स तक जाएगा एट द मोस्ट अगर वो लोग अग्रेसिवली प्राइस करेंगे बिकॉज दैट्स वॉट टाटा मोटर्स हैज बीन डूइंग नेक्स्ट ऑन दे इट अग्रेसिवली सफारी ला रहे हैं ला रहे हैं दे इट अग्रेसिवली सो उनका पूरा स्टांस ये है कि हम गाड़ी लाएंगे फीचर सारे देंगे थोड़ा टॉप एंड महंगा जाएगा लेकिन जो एंट्री लेवल वेरियंट हैं उनको हम ज्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी बनाएंगे और आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मूव है सो so, ये था मेरा आज का वीडियो गाइज ऑन द टाटा सफारी उम्मीद करता था मैं आपके लिए सारे डिटेल्स यहाँ लेके आ पाया हूँ अब अगर आप चाहते हो कि हम इसका कंपेरिजन करें विधयूवी सेवन डब्लू तो मुझे डेफिनेटली में बताइए और अगर आप कंफ्यूज है देखिए ये कॉमन बात है कंफ्यूजन बढ़ेगा अब एक और एक नया मॉडल आ गया मार्केट में तब मैं क्या करूँ डीजल आता है इसमें मुझे तो पेट्रोल चाहिए नहीं पर मुझे डीजल ही चाहिए लेकिन मैं ये लू की सेवन डब्लू लू बहुत कंफ्यूजन है तो इन दैट केस आप मुझसे या मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो जी हाँ हम आपको ऐसी सर्विस दे रहे हैं जिससे आप एज अ कार को पूरी तरह क्लैरिटी मिल सके So, आपको करना क्या जाए चले डॉट कॉम स्लेशन कंसल्टेंसी वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए कॉल टाइम बुक कीजिए विथ एंड एक्सपर्ट साथ ही में अगर आप गाड़ी आज नहीं ले रहे हो यू आर प्लानिंग टू बाई कार आफ्टर राइट देन इन दैट केस आपको इंटरनेट पे बहुत सारी फेक न्यूज देखने मिलेगी सो आई रिकमेंड रोजाना चेक कीजिए वंस अ डे जिससे आप एज अ कार बैर को क्लैरिटी मिल सके कि आखिर में सच में आने वाला क्या है क्योंकि हमारी सारी स्टोरीज इन्वेस्टिगेटिव रहती है एंड मेजरली हम इंटरव्यूज भी लेते हैं कार मैन्युफैक्चर से जिससे आपको डायरेक्ट उनकी बात पता चल सके कि कौन सी गाड़ी कब आने वाली है। तो ये था मेरा आज का वीडियो गाइस बहुत मेहनत की बहुत पसीना भी आ गया लेकिन खुशी है कि मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आया हूं सो so, मिलेंगे कल फिर से विथ एन ऑल न्यू वीडियो टेक केयर लव यू बाय